सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में उमेश चंद कॉलेज का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम सर्च कर लेना है। उसके बाद पहला जो वेबसाइट आएगा उमेश चंद कॉलेज .ac.in, तो उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, एडमिशन। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे ये तुम्हारा पोर्टल खुल गया, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आके तुमको आई हैव रीड एंड कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद अप्लाई नाउ पे अगेन क्लिक करना है। उसके बाद अपना नाम देना है। ये नाम ध्यान रहे कि आपका एडमिट कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर वही देना जिस पे ओटीपी आ सके, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी मांगेगा। तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो वही वाला देना, और ईमेल में भी ओटीपी आता है कभी कभी, तो वही ईमेल आपको देना है, ठीक है। बोर्ड क्लास 10, ये 12th का कौन सा बोर्ड था वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, किस बोर्ड से दिए हो। पासिंग ईयर कौन सा था क्लास 12, कौन से ईयर में पास किए हो वो देना, ठीक है। 2020 तक का ही अलाउ है, 2020 के नीचे का अलाउ नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्वियसली आप लोग क्लास 12 का एग्जाम देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, और आपका यूनिक जो रोल नंबर होता है, जो रोल नंबर एडमिट कार्ड में लिखा रहता है वही चीज़ देना है। उसका सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही ना मोबाइल पे ओटीपी जाता है यहाँ पे, तो ओटीपी आप लोग को ओटीपी मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो ओटीपी डालने के बाद सबमिट एंड लॉगिन, लॉगिन करने के बाद ये पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लो, मेल मतलब कि यहाँ पे सिर्फ बॉयज कॉलेज है, ठीक है। कैटेगरी जनरली करना, अगर SC ST करोगे तुमको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, तुमको वेस्ट बंगाल का लाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट होगा तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो तो यस, नहीं तो नो। यस करने पे भी तुम्हारा सर्टिफिकेट मांगेगा, तो सर्टिफिकेट है तो यस करना, नहीं तो नहीं करना। पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यस, नहीं तो नो। डेट ऑफ बर्थ वही देना जो एडमिट कार्ड वगैरह में रहता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स में अगर कोई आउटस्टैंडिंग पर्सन या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ये सब खेले हुए तो कर देना, कौन सा लेवल खेले हुए, नहीं तो नो भर के आगे बढ़ना। यहाँ पर 10th का परसेंटेज है, क्लास 10 में कितने परसेंटेज तुम्हारे मार्क्स आए थे वो यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ गार्जियन का नेम देना है, गार्जियन का नेम, पापा को गार्जियन बनाना है तो पापा का नाम दो, पापा का यहाँ नंबर दे दो, ठीक है। दीदी आप आते हैं क्लास 12 का मार्क्स, 12 का सबसे पहले यहाँ स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्रीम है, कॉमर्स है तो कॉमर्स, आर्ट है आर्ट, साइंस वोकेशनल जो भी। क्लास 12 को किस स्कूल से पढ़े उसका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पे डेफिनेटली नो करना, क्योंकि पहले तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो, यूनिवर्सिटी कभी कॉलेज में पढ़े नहीं हो, तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ना है। उसके यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट तो सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश ए इंग्लिश बी तुमको पता है तो वो करना, नहीं तो फिर इंग्लिश में करके आगे बढ़ना। दूसरा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, कौन सा लैंग्वेज है दूसरा। तीसरा सब्जेक्ट जो अपना 12th में जो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे डालते जाओ, ठीक है। किसी का ना पांच ही सब्जेक्ट होता है, किसी का छठा सब्जेक्ट होता नहीं, तो वहां पे ना नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो फुल मार्क्स लिखना है थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल देखो जिसका मार्कशीट में थ्योरी प्रैक्टिकल बाइफर्केशन है वो थ्योरी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में होता है 80 मार्क्स का थ्योरी, प्रैक्टिकल में 20 अपने आप आएगा। किसी का बाइफर्केशन नहीं है तो यहाँ पे 100 करके आगे बढ़ना, तो अपने आप 0 आ जाएगा। तो हम 100 करके नहीं 80 करके बढ़ते हैं, ये फुल मार्क्स हम लिख रहे हैं, लिख दिया। अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखना, 80 में थ्योरी में कितना मिला, फॉर सपोज 78, तुम सब में एक ही जैसा बैठा रहा है, मान लो इतना मिला। और प्रैक्टिकल में कितना मिला, अगर तुम्हारा बाइफर्केशन तभी मेथड में जाता, नहीं नहीं जाना इसी मेथड में जाना, नहीं तो फिर 100 करके बनना, 100 0 0 और टोटल मार्क्स। प्रैक्टिकल में कितना मिला वो लिख दो, फॉर एग्जाम्पल किस में 90 मिला, किस में 20 मिला, ये करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पासवर्ड देना, पासवर्ड पता है कैपिटल स्मॉल नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो वो देना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक करके आपको 7 कंटिन्यू कर लेना है। तो करते ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, ये सॉरी एज प्रूफ,
मैं एडमिट कार्ड मांग रहा है और ये, ठीक है, एक एक करके चलो करते हैं। ये हम डाल दिया यहाँ पे, फिर अपलोड पे क्लिक करना है आप लोग को, तो ये फोटो आ जाएगा, ठीक है। फिर सिग्नेचर के लिए हम कोई भी छोटा इमेज ले बेसिकली, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई भी मतलब कि कोई भी पिक्चर को कैसे मॉडिफाई करना है, रिसाइज करना है, उसका लिंक रहेगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख पाओगे कैसे मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हर फोटो आपका ये लोग जितना केबी में मांग रहा है, ज़रूरी नहीं है उतना केबी में हो हम लोग का, ठीक है। तो उसको कैसे रिसाइज करना है वो सारा चीज़ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अभी हम फर्दर हमको बढ़ना है, इसलिए हम ऐसा करके हम बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर दिए। उसके बाद प्रोग्राम, 3 साल का बीकॉम करना है, 4 साल का बीकॉम करना है, 3 साल का करना है, तो यहाँ पे ये सब और कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज करके आपको आगे बढ़ना है। नहीं करना है तो 4 ईयर का बीकॉम करना है, तो अकाउंटेंसी यहाँ पे मिलेगा आप लोग को, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। ACC2, ये सारा सब्जेक्ट ना तुम्हारा कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि इंग्लिश, तो इंग्लिश का एग्जाम आपको देना पड़ेगा सेमेस्टर 1, ये कंपलसरी आपको देना ही पड़ता है। अभी कर दिए, मान लो अभी आप हिंदी कर दिए, बाद में तो आपको इंग्लिश में देना है, तो वहाँ पे बाद में चेंजेस हो जाता है, बाद में एग्जाम टाइम आप लोग के पास फिर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे फिर ऐड टू माई एप्लीकेशन कर देना, ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को मान लो कि 4 ईयर का बीकॉम भी करना है और 3 ईयर का बीकॉम में भी चांस लेना, क्या पता उसमें भी हो जाए, दोनों में से किसी एक में हो जाए तो मेरा बेनिफिट है, तो हम एक और बार करके एक और बार ऐड कर देंगे। तो देखो हम 3 ईयर बीकॉम में भी कर लिए और 4 ईयर बीकॉम में भी कर दिए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे करके हम लोग एक्स्ट्रा भी मतलब कि कर सकते हैं, एक और मतलब एक और चांसेस ले सकते हैं, दोनों में से किसी में भी नाम आया तो हम उसमें अप्लाई कर देंगे, मतलब उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ज़्यादा चांसेस है कि हम आइदर, मेरे को 4 ईयर में चांस मिला तो हम 4 ईयर में जाएंगे, अगर हमको 3 ईयर में चांस मिला तो 3 ईयर में जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और ऑब्वियसली ये तो ठीक है, और फर्दर प्रोसेस और भी है, तो वही बोले कि कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट में, इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह कमेंट है, तो कैसे भी डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के अपना मेरे को मैसेज कर देना, वहां से हम कुछ भी हुआ डाउट मेरे सॉल्व हुआ तो हम कर देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कन्फर्म करो यहाँ पे। कन्फर्म करने के बाद ना यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारा जो उमेश चंद कॉलेज का ना ये पूरा एप्लीकेशन पोर्टल, पूरा एप्लीकेशन आ चुका है, आ गया। उसके बाद ये सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ एक बार फिर से मिला लेना, ठीक है। मिलाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है ना, प्रिंट एप्लीकेशन या फिर डाउनलोड PDF कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड PDF करने के बाद इसको ओपन कर लो, ओपन करके देख लो कि सब कुछ सही है ना, उसके बाद PDF अपने आप मोबाइल में सेव करके रखो या फिर प्रिंट आउट निकाल के अपने जेरोक्स रखो, और यहाँ पे मेरिट स्कोर है इसी के बेसिस पे ना, जो मेरिट स्कोर है इसी के बेसिस पे ना आप लोग का जो मेरिट लिस्ट निकलता है वो होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, और कोई डाउट है तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना।